कुछ लोग कहते हैं कि अब कहाँ होता है जादीवाद। इस तरह के लोगों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक दलित बुजुर्ग को सिर पर जूते रखकर माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग सिर पर जूते रखकर हाथ जोड़े घंटों खड़ा रहा। दुगार गांव में बुजुर्ग द्वारा माफी मांगने का ये वीडियो 16 सितंबर का है। आरोप है कि कार्यक्रम में 70 साल के बुजुर्ग ने भगवान देव नारायण की बगड़ावत करते हुए देवी देवताओं पर कुछ कमेंट किया था, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद गुज्जर समाज के लोगों ने उसे भरी सभा में बेइज्जत किया। हालांकि बुजुर्ग ने पहले ही माफी मांग ली थी, क्योंकि कुछ लोग उसे फोन करके लगातार धमकी दे रहे थे, लेकिन माफी मांगने के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ और 16 सितंबर को दुगार के देवरे पर गुज्जर समाज और ग्रामीणों की बैठक हुई, जिसमें बुजुर्ग और उसके साथी को बुलाया गया। बुजुर्ग के साथी को इस गलती के लिए सिर्फ 1100 रुपए का दंड सुनाया गया, जबकि दलित बुजुर्ग को जूते सिर पर रखकर माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों के जूते इकट्ठे किए गए और बुजुर्ग के सिर पर रख दिए गए। बुजुर्ग ने जूते सिर पर रखकर माफी मांगी। मामले में पीड़ित बुजुर्ग का कहना है कि उसने अपनी गलती के लिए माफी मांग ली थी, लेकिन उसके बावजूद उसे धमकियां मिल रही है। एक ही अपराध के लिए एक शख्स पर सिर्फ 1100 का जुर्माना लगा और दलित बुजुर्ग के सिर पर जूते रखवा कर उसे बेआबरू किया गया। क्या ये जातिवाद की इंतहा नहीं है? वीडियो सामने आने के बाद दलित समाज ने चित्तौड़गढ़ एसपी से शिकायत की थी। पीड़ित की रिपोर्ट पर करीब 20 लोगों के खिलाफ जूते सिर पर उठवाने को मजबूर करने के लिए मामला दर्ज किया गया है, लेकिन सवाल उठता है कि दलितों के साथ इस तरह की वारदातें आखिर कब थमेंगी। राजस्थान में दलित उत्पीड़न की वारदातें चरम पर है, लेकिन वहां की सरकार ऐसे अपराधों पर रोक लगाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। ऐसी जातिवादी वारदात पर आप अपनी राय कमेंट में बताएं, वीडियो को शेयर करें और द न्यूज बी को सब्सक्राइब करें। साथियों, अगर आपको द न्यूज बी का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बी फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।